ऑफ यू, मैं डॉक्टर नीता मिश्रा, स्कूल ऑफ एजुकेशन, राजर्षि टंडन ओपन विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा पहला लेक्चर्स था उसमें हम लोगों ने ये क्लियर कट कर दिया था कि हमारे थियरी के पेपर्स कैसे होंगे, असाइनमेंट के पेपर्स क्या होंगे, हमारे मार्क्स कैसे होंगे, हमारा इवैल्यूएशन कैसा होगा, और साथ में जो हमारा बीएड स्पेशल कोर्स है उस कोर्स का क्या आउटकम है, उससे हम क्या गेनिंग करेंगे, और लर्नर जब ये बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स कर लेगा तो वो दिव्यांग बच्चों तथा इंक्लूसिव सेटअप में किस प्रकार से अपनी टीचिंग लर्निंग को डेवलप कर सकता है, उस पर हमारा ब्रॉड डिस्कशन हुआ था। आज आ जाते हैं हम लोग इस पेपर में। ये हमारा पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, सेंसरी डिसेबिलिटीज, इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी, और इसका जो दूसरा यूनिट है वो यूनिट है कम्युनिकेशन ऑप्शन प्रेफरेंस एंड फैसिलिटेटर ऑफ इंडिविजुअल्स विद हियरिंग लॉसेस। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है उसके कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे हम उसकी फैसिलिटी अवेलेबल कराएं, कैसे हम उसके टीचिंग लर्निंग को बेस्ट बना सकते हैं, इस पर हमारा डिस्कशन होगा। इस पेपर को करने के बाद जो हमारा आउटकम होगा, जो लर्नर गेनिंग करेगा, वो होगा आपका टू नो द इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस क्या होता है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में जान पाएगा। सेकेंड, द अंडरस्टैंड द वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है और एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे को अपने कम्युनिकेशन में क्या क्या समस्या आती है, उस पर भी हमारा डिस्कशन होगा। और एंड नेक्स्ट, टू अप्लाई द टेक्निक फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम। इस यूनिट के बाद जो हमारा लर्नर होगा उसे ये नॉलेज हो जाएगा कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों को किस प्रकार से हम टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स को डेवलप करें, जिससे उसके लर्निंग प्रोसेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बना सकें। पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अगर हियरिंग लॉस हो गया, हियरिंग लॉस हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी। फर्स्टली, जो जब हमारा हियरिंग लॉस होता है, एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे का जब हियरिंग लॉसेस होते हैं तो उसमें मेनली प्रॉब्लम होती है नो लैंग्वेज इन स्पीच, भाषा का विकास नहीं हो पाता। जब उसमें लैंग्वेज नहीं होगा, स्पीच नहीं होगा, तो होता क्या है, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, उसमें संप्रेषण क्षमता की कमी हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, संप्रेषण मीन्स क्या होता है, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना और दूसरे के विचारों को ग्रहण करना, इसे हम ओरली भी कैसे लेते हैं और रिटन भी लेते हैं। लेकिन हियरिंग एम्पेयरमेंट बच्चा जब सुन नहीं पाता तो उसकी जो मेनली प्रॉब्लम आती है वो कम्युनिकेशन की, उसका कम्युनिकेशन इफेक्टेड होता है और उनका संप्रेषण नहीं हो पाता। और जब कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो बोल नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो उसकी शिक्षा भी अफेक्टेड हो जाएगी, उसका एजुकेशन भी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। और जब एजुकेशन नहीं होगा तो उसका नॉलेज भी नहीं होगा, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपने देखा, हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के न सुन पाने से भाषा का विकास नहीं हुआ, भाषा का विकास नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ, और कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो उसका जो है संप्रेषण न होने के कारण उसका एजुकेशन इफेक्टेड हो रहा है, और एजुकेशन इफेक्टेड हुआ तो उसकी थिंकिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, वो किसी बातों का विचार करना, किसी चीज़ों पे अपने व्यू देना उसके लिए टिपिकल हो जाता है। और जब थिंकिंग कैपेसिटी उसकी डेवलप नहीं होगी तो उसका होता क्या है, कॉग्निटिव साइकोमोटर अफेक्टिव डोमेन, संज्ञात्मक भावनात्मक और क्रियात्मक, ये सारे जो हमारे डोमेन होते हैं वो सभी इफेक्टेड हो जाते हैं, और उसे समाज में, सोसाइटी में और अपने घर में भी एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि भाषा न होने से उसका लोगों से दूरियां बढ़ जाती हैं, और दूरियां बढ़ जाने से वो अपने को हीन भावना से ग्रसित समझने लगता है। जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि संप्रेषण कम्युनिकेशन के माध्यम क्या है, कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं वाणी या स्पीच।
वाणी मानव जाति की मूलभूत गुणों में से एक होता है। मानव द्वारा भाषा के माध्यम से ही संप्रेषण किया जाता है और वाणी का प्रयोग हम नित्य और सफलतापूर्वक करते हैं, अर्थात वाणी भाषा के माध्यम से ही हम संप्रेषण को प्रकट करते हैं। और भाषा क्या होती है, लैंग्वेज क्या होता है, तो भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। भाषा शब्द जो है वो हमारी संस्कृति के भाष्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना अथवा कहना। भाषा वह जिसे हम बोलकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, संप्रेषण किसे हम कहते हैं। तो संप्रेषण का अर्थ होता है किसी विचार या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने वाले द्वारा भेजना अथवा प्राप्त करने वाले द्वारा प्राप्त करना, अर्थात विचारों का आदान प्रदान जो होता है वो हम संप्रेषण के ही माध्यम से कर पाते हैं। मानव संप्रेषण जो है वो दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है अशाब्दिक संप्रेषण या जिसे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो हमारा संप्रेषण होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है वर्बली और दूसरा होता है नॉन वर्बली। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। तो आप यहाँ जैसे देख रहे हैं, शाब्दिक संप्रेषण से तात्पर्य उस संप्रेषण से है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विचारों एवं भावों को किसी ज्ञात भाषा को सुनकर वह पढ़कर ग्रहण करता है, बोलकर और लिखकर उसको प्रकट करता है। और नॉन वर्बल इज कम्युनिकेशन यानी अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण वो होता है जिसके अंतर्गत शारीरिक हाव भाव, स्पर्श, शारीरिक भाषा एवं भंगमा, चेहरे की अभिवृत्ति, आँखों का संपर्क इसके माध्यम से किया जाता है। तो आपने देखा कि संप्रेषण के मिलने दो माध्यम होते हैं, एक माध्यम होता है आपका ओरल और दूसरा होता है वर्बली, और दूसरा होता है नॉन वर्बली जिसको हम लोग कहते हैं शाब्दिक एंड अशाब्दिक। शाब्दिक में हम बोलकर कहकर सुनकर अपने विचारों को देते हैं, और अशाब्दिक संप्रेषण जहां हम अपने भाव के द्वारा, अपने जेस्चर मूवमेंट के द्वारा, अपने शारीरिक किसी भी एक्टिविटी के द्वारा हम बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन तो सभी जीव करते हैं, केवल मानव ही नहीं सभी, लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन, जैसे हम किसी जानवरों में देखें उनमें भी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन कैसा होता है, नॉन वर्बली, यानी वो संकेत के माध्यम से, भावों के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका कम्युनिकेशन मोस्टली जो है वर्बली होता है, क्योंकि वर्बली कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाते हैं और दूसरों के विचारों को हम ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन मीडियम दो प्रकार के हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन भी दो प्रकार का होता है आपका, एक होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा आपका रिटेन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलना और सुनना। ओरली कम्युनिकेशन में के दो माध्यम हो गए, एक तो हम बोल के कम्युनिकेशन करते हैं और दूसरा हम सुनकर कम्युनिकेशन करते हैं। और रिटेन के अंतर्गत आपके दो कम्युनिकेशन आते हैं, जिसमें एक लिखना होता है और दूसरा आपका पढ़ना। तो हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो दो प्रकार का हुआ, एक ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा रिटेन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन दो प्रकार से होते हैं, स्पीकिंग के द्वारा और लिसनिंग के द्वारा। और सिमिलर रिटन कम्युनिकेशन हमारा जो है वो भी दो प्रकार से हुआ, राइटिंग के द्वारा और रीडिंग के द्वारा। जो दूसरा कम्युनिकेशन है हमारा वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे फैशियल एक्सप्रेशन के द्वारा कर सकते हैं, जेस्चर मूवमेंट के द्वारा कर सकते हैं,
बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कर सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी के द्वारा कर सकते हैं, टच के द्वारा कर सकते हैं, पर्सनल अपीयरेंस के द्वारा कर सकते हैं और साइलेंस, चुप रह के भी हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। जो हमारा मोटिव है इस लेक्चर्स में कि हम श्रवण बाधित बच्चे को किस प्रकार से कम्युनिकेशन कराएं जिससे कि उनके एजुकेशन लेवल को हम विकसित कर सके। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि संप्रेषण किसे कहते हैं। तो श्रवण बाधित बच्चे हेतु अनेक संप्रेषण माध्यम उपलब्ध हैं, जैसे आप देख रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा हमारा है मैनुअल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं मौखिक संप्रेषण और मैनुअल कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं हस्तचालित संप्रेषण। अब मौखिक संप्रेषण क्या होता है? तो मौखिक संप्रेषण में श्रवण बाधित व्यक्तियों की जो बची हुई क्षमता होती है, मतलब उनकी जो सुनने की बची हुई रेसिड्यूअल पावर होती है, उसको हम एड्स के द्वारा, जो हमारे हियरिंग एड्स होते हैं, हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उसके माध्यम से उपयोग करके उनके वाणी वाचन और वाणी उच्चारण कौशल को विकसित किया जाता है। इस संप्रसारण का विकल्प प्राथमिक उद्देश्य सुनने वाले समुदाय में समेकन हेतु, मतलब जो बच्चे बोल पा रहे हैं उनके साथ उनका इंक्लूजन करने हेतु श्रवण बाधित व्यक्तियों के आवश्यकता अनुसार वाणी एवं संप्रेषण कौशल का विकास किया जाता है। मीन्स ओरल कम्युनिकेशन के लिए हम उन्हें ऑडिटरी ट्रेनिंग और स्पीच थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो ओरली हमारे जो इंक्लूसिव समाज है उससे वो जुड़ सके। दूसरा आप देख रहे हैं मैनुअल कम्युनिकेशन। मैनुअल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम केवल साइन लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं, मैनुअली ही कम्युनिकेशन करते हैं। और ये जो हमारे डैप कम्युनिटी है उसका ये अपनी भाषा है, क्योंकि डैप कम्युनिटी में जो साइन लैंग्वेज है उसको अपने अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज कर दिया है, उसका व्याकरण है, उसकी अपनी भाषा है। और इनका जो संकेत भाषा है वो व्यापक रूप से इस मैनुअल कम्युनिकेशन को उपयोग करता है। यह बधिर व्यक्तियों के संप्रेषण हेतु सुगम में साधन है। इसमें मौखिक भाषा विकसित करने पे जोर नहीं दिया जाता है। इस माध्यम का प्राथमिक उद्देश्य प्रभावशाली रूप से संप्रेषण करना है। मीन्स साइन लैंग्वेज के माध्यम से बधिर व्यक्ति जो है अपनी भाषा, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और वो अपनी, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हम अपने एजुकेशन को, अपने कम्युनिकेशन लेवल को, अपने संप्रेषण को डेवलप करें। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम भाषा का ही प्रयोग करें, हम साइन सिस्टम का भी प्रयोग करके अपने को डेवलप कर सकते हैं। तो मोस्टली बधिर जो कम्युनिटी होती है, जो टोटली डैप पर्सन होते हैं, वो मैनुअल कम्युनिकेशन पर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक दूसरा कम्युनिकेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं द्विभाषीय संप्रेषण या बाईलिंगुअल कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है इसका प्रारंभ जो है जेम्स कमिंस ने 1976 में किया था। इस संप्रेषण के माध्यम से जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनको प्राथमिक भाषा के रूप में संकेत भाषा ही सिखाई जाती है और मौखिक भाषा उनकी द्वितीय भाषा होती है। मीन्स डेफ पर्सन की पहली जो भाषा होती है वो साइन भाषा ही होगी और जो दूसरी भाषा होगी वो हम उसे ओरली या लैंग्वेज का प्रयोग करना सिखाएंगे। ये माध्यम बधिर समुदाय व सुनने वाले समुदाय दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे को द्विभाषी बनाना होता है, जिसमें सांकेतिक भाषा एवं मौखिक भाषा दोनों में उसे सक्षम एवं निपुण बनाया जाता है और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार बच्चा उस भाषा का ग्रहण करता है। मीन्स इस जो हमारा बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन है वो ओरल कम्युनिकेशन को भी प्रेषित करता है, दूसरा वो मैनुअल कम्युनिकेशन यानी हस्तचालित संप्रेषण को भी वो प्रेषित करता है, जिससे कि बच्चे के एजुकेशन लेवल में किसी प्रकार की बाधा न हो और वो अपना कम्युनिकेशन सही ढंग से कर सके। बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन के कुछ गोल हैं वो देख लीजिए। व्यक्तित्व उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है,
भाषा के द्वारा भाषा का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मौखिक भाषा वाले बच्चों की इससे तुलना की जाती है। वाणी की भूमिका न तो अनिवार्य है और न ही ऐच्छिक है, ये केवल एक साध्य के रूप में ही प्रयोग किया जाता है और ये बधिरता का सांस्कृतिक प्रारूप है। हम लोगों ने देख लिया कि पहली हमारी भाषा थी वो हम लोगों ने यूज किया ओरल कम्युनिकेशन या मैनुअल कम्युनिकेशन या बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन। अब जो हमारा मेनली कम्युनिकेशन है वो है समग्र संप्रेषण यानी टोटल कम्युनिकेशन। अब टोटल कम्युनिकेशन क्या होता है इसको भी देख लिया जाए। समग्र संप्रेषण माध्यम से सैद्धांतिक रूप से टोटल कम्युनिकेशन के नाम से इसे जाना जाता है और इसका विकास जो है डेविड डेंटल द्वारा मैरीलैंड स्कूल फॉर द डेफ अमेरिका में सन 1967 ईस्वी में किया गया था। इसमें संप्रेषण हेतु संप्रेषण के सभी साधनों जैसे करवर्तनी मिस हाथों के उंगलियों द्वारा, संकेत द्वारा, प्राकृतिक भाव भंगिमा द्वारा, वाणी वाचन द्वारा, ओष्ठ पठन लीप रीडिंग द्वारा, शारीरिक भाषा द्वारा, लिखित एवं मौखिक भाषा आदि का प्रयोग किया जाता है। इस माध्यम का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि श्रवण बाधित बच्चे एवं उनके साथ संप्रेषण करने वाले व्यक्तियों के लिए एक सरल संप्रेषण विधि उपलब्ध किया जाए। इससे व्यक्ति वाणी और संकेत के साथ अन्य दृश्य और प्रासंगिक माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। मींस टोटल कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, दोनों कम्युनिकेशन को जोड़ के हम बच्चे के कम्युनिकेशन लेवल को विकसित करें। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि व्यक्तित्व उद्देश्यों पर इसमें ज्यादा फोकस किया जाए। इंडिविजुअली बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, अगर वो ओरली करना चाहे भाषा के द्वारा करना चाहे तो हम भाषा को ज्यादा प्रेशर दे, भाषा की तरफ ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अगर वो जो है साइन के लिए ज़्यादा हो रहा है हम साइन के लिए करेंगे। बच्चा अगर लीप रीडिंग करना चाहे लीप रीडिंग मीन्स चाहे जैसे हो हम उसके कम्युनिकेशन लेवल को डेवलपिंग करेंगे। इसमें संप्रेषण हेतु अनेक स्रोतों का उपयोग किया जाता है जिसमें हम लोग ऑडियो विजुअल लेक्चर्स टीएलएम्स विजिट या रियल ऑब्जेक्ट मॉडल पिक्चर्स जितनी चीज़ें हो सके जिससे इनके भाषा का विकास किया जा सके उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। वाणी के द्वारा वाणी और संकेत का विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें वाणी की भूमिका अनिवार्य एवं ऐच्छिक होती है। अब हम लोग बात करें कि ये जो हमारी फिंगर स्पेलिंग क्या होती है, आप यहाँ देख रहे हैं ये अमेरिकन फिंगर साइन लैंग्वेज सिस्टम है, ये जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं करवर्तनी। करवर्तनी से तात्पर्य उन वर्तनियों से है जिन्हें एक हाथ अथवा दो हाथों की उंगलियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। करवर्तनी का उदाहरण यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ये अमेरिकन साइन लैंग्वेज में हमारे अल्फाबेट्स ए बी सी डी को किस प्रकार से एक हाथ से साइन किया जा रहा है, एक हाथ से इंडिकेट किया जा रहा है। तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम जो है अपने फिंगर स्पेलिंग का प्रयोग करके अपने भाषा का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए ब्रिटिश संकेत भाषा। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं इसमें दो हाथों की उंगलियों के माध्यम से हम अपने अल्फाबेट्स का प्रयोग करके अपने कम्युनिकेशन लेवल को विकसित कर सकते हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज भी वो साइन लैंग्वेज है, इसमें दोनों हाथों चाहे आप दो हाथों से या एक हाथों से दोनों ही हाथों से आप साइन लैंग्वेज का प्रयोग करके अपने भाषा का विकास कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और भाषा है आपका क्यूड स्पीच। अब क्यूड स्पीच क्या होता है इसको भी जान लीजिए।
क्यूट स्पीच बधिर या सुनने में कठिनाई वाले बच्चों हेतु ध्वनि आधारित संप्रेषण की एक व्यवस्था है। इस संप्रेषण व्यवस्था का प्रतिपादन ओरिन कार्नेट ने सन 1966 ईस्वी में गेलाउडेट कॉलेज वाशिंगटन डीसी में इसका किया था। इस विधि में हाथ की 8 आकृतियों को 4 स्थानों के संयोजन एवं वाणी द्वारा स्वाभाविक मुख गतिशीलता के माध्यम से मौखिक भाषा की ध्वनियों में अंतर करने के लिए किया जाता है। क्यूट स्पीच भाषा प्रकट करने का एक माध्यम है और ये स्वयं में एक संकेत भाषा नहीं है। आपने ये देखा क्यूट भाषा जो है वो हमारे मौखिक भाषा की ध्वनियों में अंतर इसके द्वारा कराया जाता है। एक एग्जांपल जैसे ले लीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं प और ब, तो जब हम प बोलते हैं तो हमारे जो दोनों लिप्स हैं वो अंदर की तरफ आके दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, प और ब। तो दोनों ही साउंड अगर हम डेवलप करते हैं तो जो हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है उसको मेनली कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं, हम उसे प बोलना चाह रहे हैं या ब बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम जैसे प हो तो हम ऐसे हाथ के आकृति से अपने ओठों के पास लाके हम बता सकते हैं कि ये प है, और जब ब बोलना हो तो हम इसे ऐसे करके, या म म बोलना हो तो हम ऐसे इसे फैला के म को इंडिकेट करते हैं। इसलिए कुछ जो वर्ड माला होती है जिसके प्रोनाउंसिएशन में सेम साउंड का प्रयोग होता है, उन साउंड्स में हम अपने फेस पे उंगलियों का प्रयोग करके अपनी भाषा को विकसित करते हैं, जिससे कि अगर बच्चा लिप रीडिंग सीख रहा हो तो वो लिप रीडिंग में उन शब्दों उन वर्ण को समझ सके। तो आपने देखा कि कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी एक माध्यम है। बिना कम्युनिकेशन के कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट नहीं कर सकता। श्रवण बाधित बच्चे की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो कम्युनिकेशन की होती है, और कम्युनिकेशन न होने से वो अपने को समाज से अलग करने लगता है, समाज भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता और उसे मेनस्ट्रीम में अपने को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे कम्युनिकेशन के माध्यम है, चाहे हम ओरली कम्युनिकेशन करें, चाहे नॉन वर्बली कम्युनिकेशन करें, चाहे हम बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन करें या हम टोटल कम्युनिकेशन करें, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम इन कम्युनिकेशन के माध्यम से श्रवण बाधित बच्चों के वाणी और भाषा का विकास कर सकते हैं और उनके एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर्स होगा उसमें दृष्टि बाधित बच्चों को किस प्रकार से हम उसके शिक्षण प्रशिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं उस पर किया जाएगा। धन्यवाद।